अनोखे हो गई वाह गई वाह अनोखे हो। तुम कहाँ रहते हो? प्रताप नगर में। प्रताप नगर प्रताप नगर भैया जी चलिए रिक्शा रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो रुक गए। एक काम करो तुम जल्दी उतरो पीसीओ पर जाओ अपने घर पे फोन करो कि तुम्हारे घर पे आग लगी कि नहीं लगी चली जाओ जल्दी फटाफट। ओह माय गॉड प्रताप नगर में आग लग गई। पता करके आएगा ना वो भी फोन करके। वो अचानक कैसे सामने क्यों आ गया? वो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अंदर बहुत गर्मी है चल नीचे उतर। अरे बहुत गर्मी क्या है जब रिक्शा चलेगी तब हवा आएगी ना। तू सामने से हटेगा तो हवा आएगी ना। वो रिक्शा चलेगी तो सब हवा आएगी। वो आने तो दे रिक्शा वाले को। हटना सामने से यार। तू बैठना आराम से। ये बैटरी भी इधर ही खड़े। कुछ नहीं हुआ साहब। हाँ मुझे मालूम है तुम रिक्शा चलाओ। अब शॉर्टकट से लीजिए प्लीज। खतरा टल गया। खतरा मतलब वो आग लगी थी ना वो टल गई। चलो भैया जी जल्दी चलो। तुम? हाँ मैं। बाय द वे अनु दीदी घर पर नहीं है और मैं तुम्हें बताऊंगी भी नहीं कि वो कहाँ पर है। मैं जानता हूँ कि वो दिल्ली गई है लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि उसकी ट्रेन मिस हो गई और वो घर पहुंचने वाली है। ठीक है इन्फॉर्म करने आए थे ना कर दिया इन्फॉर्म अब जाओ। क्यों आए हो यहाँ पर? छवि पुत्र मैं और आशु ना तुझसे मदद मांगने आए हैं। कौन सी मदद? कैसी मदद? और मैं मदद क्यों करूं? क्योंकि आप कह रही हैं बुआ जी इसलिए? पुत्र इस वक्त तेरी बहन को ना तेरी मदद की सख्त जरूरत है। इससे ना उसकी बिगड़ी जिंदगी सुधर सकती है। इसी में तेरी बहन की असली खुशी छुपी है। वाह बुआ जी अन्नू आशु ने की है मेरी खुशी की परवाह जो मैं अन्नू आशु की खुशी की परवाह करूँ? छवि प्लीज देखो शिकायतें तो होती रहेंगी ना हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अनु या घर वाले किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। वाओ ग्रेट इसका मतलब मोक्ष जो माँ और पापा जी को बाहर लेकर गया है वो तुम सब लोग की चाल थी सब मिले हुए थे। बाय द वे हम मुझे बताओ मुझे करना क्या है? सिर्फ एक फोन कॉल दैट्स इट। चले गए फोन आ रहा है। हेलो दीदी हेल्प मी दीदी। छवि क्या हुआ तुझे? दीदी मैं बहुत ट्रबल में हूँ। दीदी मैं बहुत ट्रबल में हूँ मुझे आके ले जाओ। दीदी कहाँ पे तू? मैं कहाँ हूँ मैं? हाँ जल्दी बता कहाँ पे है तू? हाईवे पर दीदी। हाईवे पे कहाँ? हाईवे पर 100 के माइलस्टोन से दीदी 100 कदम दूर। ड्रीम मंथ किसी का घर है रिजॉर्ट नहीं। छवि क्या जीत भी है तेरे साथ? जीत छवि छवि क्या करूं मैं घर पे कोई नहीं है किससे बात करूं? एक काम करती हूँ कुल्लू को फोन लगाती हूँ।
एक मिनट मिनट, अन्नू का फोन है, क्या करूं? हाँ नहीं उठा था, एक मिनट। हाँ अच्छी रिंगटोन है। गुल्लू फोन उठा, जल्दी गुल्लू फोन उठा। चल चल तू चल। भाई गॉड तू भी ना। कल करना ये सब। चल आशु, छवि मुसीबत में है। क्या लगता है वो फिर से जीत के साथ घर से भाग गई है? कब? जब हम स्टेशन पे थे। माय गॉड कहाँ गई है वो? अभी भी उसका फोन आया था, वो कह रही थी हाईवे पे 100 किलोमीटर माइलस्टोन से 100 कदम लिफ्ट में। माइलस्टोन से 100? माय गॉड वो तो बहुत डेंजरस जगह है। आशु हमें किसी भी तरह छवि को ढूंढना होगा, और वो भी मम्मी पापा के आने से पहले। मम्मी पापा आने से पहले कैसे हो सकता है? 100 किलोमीटर दूर, मतलब हमें आने जाने में एक आध दिन लग जाएगा। अच्छा है, मम्मी पापा को यही लगेगा कि मैं दिल्ली गई हूँ, पर अब मैं जाऊंगी छवि को ढूंढने, और बुआ जी को रस्से से फोन कर देंगे, बोलेंगे छवि के बारे में कोई भी बहाना बना देने के लिए। ठीक है, मैं एक मिनट में बैग लेके आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। आशु हमें अब चलना होगा। ये बाइक कहाँ से आई? ये मेरे दोस्त की बाइक। लगता है इस बाइक को मैंने कहीं देखा है। अब अनु, ऐसी हजारों बाइक्स बॉम्बे में होंगी, कहीं ना कहीं देखा होगा तुमने। टाइम वेस्ट मत करो, छवि को ढूंढना है। हाँ। ना कोई किडनैपिंग की जरूरत पड़ी और ना कोई प्लान की, चली गई। अरे आप कौन किडनैप हो रहा है दीदी? कोई नहीं कहा कि अब रोज किडनैप होगा। वो गुल्लू अपने दोस्त का किस्सा सुना रहा था। मैंने ना अन्नू को पहुंचा दिया जहां उसने पहुंचना था। सही जगह पहुंच गई है। आ चल ना अंदर, चल तू फिकर कर रहा है, चल आ जा, चलो चलो अंदर चलो। हम यहाँ किस लिए जा रहे हैं? किसी से पूछ लेते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। छवि ने जो जगह बताई थी वो यहाँ से और कितनी देर लगेगी? एक्चुअली मुझे ठीक से पता नहीं वो जगह है कहाँ, तो ढूंढना पड़ेगा। ये कोई 2.5-3 घंटे। 40 किलोमीटर जाने के लिए 2.5-3 घंटे? लूना फ्लाई इतनी दूर है ना यहाँ से? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? जब आप पहुंचेंगे तब सोचेंगे ना। फिलहाल यहाँ पर कुछ खाओ, चाय लस्सी पियो। कम ऑन। चाय लस्सी? आशु मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी मुझे कुछ खाने या पीने का मन नहीं है। I'm sorry अन्नू, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है, और अगर मैंने खाली पेट ट्रैवलिंग की ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा रास्ते पे। बैठो ना, आ जाओ। वेटर, क्या खाने? सबे, आप क्या खाएंगे? सबे, ओके। ऑमलेट, पाव, इडली, पराठे, सैलेड, नारियल पानी, गुलाब जामुन, जलेबी, मिसल पाव, पराठे, पकौड़े, कॉफी, पान। आशु प्लीज मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, 50-50 ग्राम सब कुछ ले आओ, जो अच्छा लगे आप वापस मंगाओ। ना सर, ऑर्डर सिर्फ देर लगेंगी। हाँ तो ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, पर देर मत करना। हाँ सॉरी अनु, वो क्या है ना, मैं ट्रैवलिंग के टाइम है ना मुझे भूख बहुत लगती है। सो मैडम आपके लिए एक चाय। वो क्या है ना कि मैडम को जल्दी बहुत है इसलिए, लेकिन तुम्हें जल्दी नहीं है ना, हमें जल्दी है। तुम आराम से लाओ, आराम से।
हाथ धोकर आ जाऊं। ठीक है। ये आशु को क्या हो गया? मुझे यहाँ छवि की टेंशन में जान अटक रही है और उसे खाने की पड़ी है, भूख लगी है। छवि को फोन लगाती हूँ। छवि, स्विच ऑफ क्यों कर रखी है फोन? The number you are trying to call is currently switched off. हेलो, हाँ बुआ जी। मुझे तो घबराहट हो रही है, वहाँ पहुँच कर होगा क्या? आप तो जानते हैं अनु ओवर सेंसिटिव है, कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो। ओए, प्यार करने वाले कभी घबराते थोड़ी है। देख आशु, यही मौका है तेरे पास उसे समझाने का कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। और सुन, उसे वो सब बातें समझाना जो वो समझ नहीं रही है। अपने वक्त का ना पुत्र जी, सही इस्तेमाल करना। हाँ, कोशिश करता हूँ बुआ जी। ओके, ये क्या पुत्र पुत्र कर रही हो दीदी? किससे बात कर रही हो? किसी से तो नहीं, ओ ना, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। हेलो जी, रॉन्ग नंबर है, बोला ना, रख दो फोन आप। एक बात बताओ दीदी, आप इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हैं? मैं पला क्यों घबराऊंगी? घबराया हुआ तो तेरा चेहरा लग रहा है। मैं? कुड़ी पहली बार कली गई है इसलिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो दीदी। अब तो अनु की गाड़ी सूरत से आगे निकल गई होगी ना? पता नहीं ट्रेन कितने गई होगी। क्यों काके? ओफो, जब से अन्नू गई है इन्हें तो बस फिक्र हो रही है, वो कैसी है, कहाँ ट्रेन पहुंची होगी, अकेले क्या कर रही होगी। मैं कहती हूँ, जब आपको इतनी फिक्र है तो फोन क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोशिश की थी फोन लगाने की, फोन लगा ही नहीं। सिग्नल नहीं होगा ना दीदी? ट्रेन में तो सिग्नल आता जाता रहता है, शायद उस वक्त सिग्नल नहीं था, हो सकता है अब आ गया हो। ओ अनमोल जी, आप फिक्र छोड़ो और फोन लगाओ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो अचला जी, मैं फोन लगा ही लेता। The number you are trying to call. ये छवि ने फोन स्विच ऑफ कर रखा है या हो गया है? क्या करूं? बाबा जी, छवि कहीं पे भी हो, ठीक से हो। I'm so sorry. क्या हुआ अनू, इतने परेशान क्यों? परेशान इसलिए हूँ क्योंकि खाना अभी तक नहीं आया है। और कहो, आराम से आओ। आराम से कहाँ काम है, तो उसे कहा कि अगर जल्दी ला सकते हो तो। वो आ गया। इस तरफ, इस तरफ। कुछ ना कुछ मिला होता है, अगर आप पहले मूली के पत्ते खाओ तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। मतलब जब तक मूली के पत्ते नहीं आएंगे तब तक तुम खाना नहीं खाओगे? क्या करूं, मजबूरी है। वेरी गुड, जाओ ढूंढो मूली के पत्ते, ढूंढो, चलो प्लीज। आशु, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हारे पापा जी ने भी तो गलत ही किया है ना? मेरे पापा जी के बारे में कुछ मत कहना। उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, इसलिए तो वो गलत से पकड़ बैठे, जबकि सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सारी जिद गलत है। लेकिन तुम क्यों गलत जिद पकड़ बैठी हो? तुम क्यों बात नहीं करती अपने पापा जी से? जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो और हमेशा करती रहोगी, पर तुम ये शादी क्यों कर रही हो?
तुम छवि को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी डिस्कस करें। अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरे साथ आगे चलो। अगर मुझे मंजूर नहीं है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। जाओ। हेलो अनु, रिलैक्स अनु। आई एम सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, कम ऑन। ओह नो, घर से फोन, क्या बोलो? बोलो बोलो, बोल दो कि तुम आशु मेहरा के साथ घर छोड़कर भाग गई। सॉरी, मेरा मतलब बजने दो ना। ये अनु फोन क्यों नहीं उठा रही? उफो काके, तू ही ना बस। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अनु अनु, मुझे, मैंने खाना नहीं खाना बहुत टाइम से, तो मुझे बहुत दर्द हो रही है पेट में। मैं बाथरूम होकर आता हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, ठीक है? पर हम तो वहाँ बैठे। वहाँ पर नहीं, वो टेबल पर बाद में, वहाँ बहुत खाना है, वहाँ सीट खराब है, सब खराब है, तुम वहाँ पर बैठो, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। मर गए। अभी आना था, अगर अनु ने इसे देख लिया तो सारा प्लान खत्म हो जाएगा। आशु कुछ कर और इस जीत को यहां से भगा। चल गया कि छवि घर से भाग गई है, इसलिए पापा जी मुझे फोन कर रहे थे। शायद घर पर हंगामा मचा हो। ये छवि भी ना घर वालों को खामखा परेशान करती है। क्या करूं मैं, क्या करूं? घर पर फोन करूं? शायद छवि घर पर वापस आ गई हो, लेकिन फोन करके क्या कहूं? हेलो। हेलो पापा जी। अनु पुत्र, पुत्र गाड़ी कहाँ पहुंची? जी ट्रेन रस्ते में है। रस्ते में है? अरे पुत्र, लेकिन कोई ट्रेन की आवाज तो आ नहीं रही। ट्रेन की आवाज तो नहीं आ रही है। हाँ, प्लेटफॉर्म में रुकी है। पर कौन से स्टेशन पे है पुत्र? अब कौन से स्टेशन है वो, क्या है ना पापा जी, नाम बहुत दूर लिखा है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। पकोड़ा। पुत्र ये कौन सा स्टेशन है? पकोड़ा कौन सा स्टेशन है? लाहौली स्टेशन। अरे पुत्र, ये मोहाली तो सुना था, लेकिन ये लाहौली कहाँ से आ गया? कौन से स्टेशन पर घूम रही हो तुम? पापा जी वो छवि, छवि घर में है। Hey, 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 hey.